हमने देख लिया भी प्रेसिडेंट 12 मेंबर राज्यसभा में अपॉइंट करते हैं और 2 मेंबर लोकसभा में करते हैं। ये कौन होते हैं? आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज से। हमने सचिन तेंदुलकर का भी केस देख लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भाई एंड सो ऑन। अब एंग्लो इंडियंस भी देख लिए, 2 लोकसभा के अंदर होते हैं। अब क्या होता है, प्रेसिडेंट की पावर होती है लेजिस्लेटिव पावर, उसको वो कैसी होती है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, जब भी कोई भी एमपी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी डिसाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। अब एक और इनकी लेजिस्लेटिव पावर है, सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल लाने के लिए ना हमें कुछ तरह के बिल लाने से पहले हमें प्रेसिडेंट की उस पर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। वो कौन कौन से बिल होते हैं, देखो एक तो एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 3 तरह के इंडिया के पास फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फिर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम कोई भी खर्चा करेंगे उसको खर्चे को लेने से पहले हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। दूसरा अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट्स, अगर किसी स्टेट की बाउंड्री में कोई चेंज करना है तो भी पहले परमिशन चाहिए होगी उस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट की। तीसरा क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, अगर हमने कोई स्टेट बनानी है तो उस पे भी पहले हमें प्रेसिडेंट उस बिल पे भी रिकमेंडेशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट सर की। सपोज एक बिल था, अब बिल पे अगर असेंट दे दिया प्रेसिडेंट ने, उसको पास कर दिया, तभी वो एक्ट बनेगा। ऐसे ही अगर गवर्नर एक ये तो सेंटर का बिल हुआ ना, अगर स्टेट का मान लो एक बिल था और गवर्नर के पास 4 पावर्स होते हैं, उसमें गवर्नर के पास एक ये पावर होती है भी वो प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। वो कौन कौन से केसेस होते हैं हम गवर्नर पढ़ेंगे तब देखेंगे। जब उन्होंने वो रिजर्व किया बिल देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अगर जब उसको अपनी यस कर देंगे असेंट दे देंगे तभी वो एक्ट बनेगा। ठीक है, अब क्या होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो हम इसी प्रेसिडेंट के लास्ट में देखेंगे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की, अब प्रेसिडेंट पे एक पावर ये भी होती है, ही कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ किस किस की, अब ये यूनियन टेरिटरीज के नाम देख लेना किसके लिए, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर एंड दमन दीव, इसके लिए और पौंडिचेरी के लिए भी कर सकता है। कब, जब पौंडिचेरी की असेंबली डिसॉल्व हो। ये लेजिस्लेटिव पावर्स देख रहे हैं। अब आ गया फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखो फाइनेंशियल पावर्स में सबसे पहले आएगा, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय जो उसकी पावर्स हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल पावर्स के अंदर क्या होता है, एक मनी बिल होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बिल होते हैं, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो हम आगे पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट जो मनी बिल होता है ना उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये मनी बिल पे क्वेश्चन आता ही आता है भाई, इसको रिटर्न कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस पे जो राज्यसभा की वो कितनी लिमिटेशंस हैं, वो सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो हम पार्लियामेंट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट एक होता है आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट। अब कई बार हम ना बजट लिख देते हैं आर्टिकल 112 बजट, पर एक्चुअली में बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया ही हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड दिया गया है, ठीक है, ये भी याद रखने का अपने। और अब क्या होता है, अब जो ग्रांट इन एड होती है ना, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट फॉर हिज रिकमेंडेशन। कोई भी हम ग्रांट नहीं दे सकते जब तक हमें प्रेसिडेंट रिकमेंड न करे। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्ड सर्कमस्टेंसेस। मैं आपको थोड़े से फंड का ना एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ भाई, ये फंड्स होते क्या है। देखो 3 तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट फंड एंड फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट फंड, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, इमरजेंसी फंड होता है ये, ठीक है, ये इमरजेंसी फंड होता है। इसमें कोई भी हम खर्चा करते हैं तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, जबकि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो एक इमरजेंसी फंड है। इसको कौन ऑपरेट करता है, इसको प्रेसिडेंट ऑपरेट करते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑपरेट करते हैं इसका मतलब ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट चेकबुक लेके घूमते रहते हैं भाई कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भाई वो साइन करके देंगे। इसका आगे फाइनेंशियल फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं ना, उनके पास ये फंड की ऑपरेटिंग पावर होती है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये होगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस पे प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, अगर इसमें समय खर्चा करना होगा। पब्लिक अकाउंट फंड और ये तीनों फंड हम ध्यान से पार्लियामेंट में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब जो फाइनेंशियल पावर एक और है, मैंने आपको पहले बोला था 5 साल बाद एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं प्रेसिडेंट। उस फाइनेंशियल कमीशन का ये काम होता है, जो नेट प्रोसीड होती है ना, नेट प्रोसीड का भी क्या मतलब होता है, नेट प्रोसीड मान लो जितना हमने टैक्स कलेक्ट किया
उसके बाद हमारा टैक्स कलेक्ट करने में जितना खर्चा आ रहा है उसमें से वो खर्चा माइनस कर दोगे तो वो नेट प्रोसीड बन जाएगा। अब वो कैसे डिवाइड करना है वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को। अब फाइनेंस कमीशन अभी कौन सा 14th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट के तहत अभी 42% ऊपर से नीचे पैसा जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जुडिशियल पावर्स। अब हमने जुडिशियल पावर देखेंगे तो क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, ये आपको सिंपल से याद रखना है। अब यहां पे हाई कोर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, भाई हाई कोर्ट का जज भी गवर्नर अपॉइंट करेगा, दिस इज अ बिग, ये बहुत बड़े गलती करते हैं, ऐसी गलती नहीं किया, हाई कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 ये बोलता है भाई प्रेसिडेंट एडवाइस देते हैं सुप्रीम कोर्ट से, पर वो एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट देगा वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी, वो बाध्य नहीं होगी। अब आर्टिकल 143 के में ना दो तरह से एडवाइस मांगते हैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से, कैसे, एक तो पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई मैटर हो, ठीक है, दूसरी प्री कॉन्स्टिट्यूशन हमने कोई ट्रीटी कर रखी हो, मान लो 1925 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था तब भी कोई ट्रीटी कर रखी हो तो वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी होगी, और एक पब्लिक इंपोर्टेंस में। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी में तो सुप्रीम कोर्ट को पक्की एडवाइस देनी पड़ेगी, पर प्रेसिडेंट उसको माने या ना माने वो अलग बात है, बट पब्लिक इंपोर्टेंस में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अब आगे हम पढ़ते हैं पार्डनिंग पावर, हम आगे आएगा वो भी एक जुडिशियल पावर है। अब सीधा डिप्लोमेटिक पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या होता है, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर रहे हैं या ट्रीटी साइन कर रहे हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होती है, कोई भी हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन करेंगे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होती है। ही रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स, कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो रहा है, मान लो कोई यूनाइटेड नेशन का फोरम हो रहा है उसपे रिप्रेजेंट कोई भी करे पर वो किसके नाम पे करेगा, प्रेसिडेंट के नाम पे करेगा। अब प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर्स भी होती है, मिलिट्री पावर्स में क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होते हैं ऑफ डिफेंस फोर्सेज के, ठीक है, और मतलब डिफेंस फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर हो गए। फिर होता है अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, हमारे जो तीनों सेना थल तीनों मतलब एयरफोर्स आर्मी और नेवी उसके भी अपॉइंट्स जो चीफ करेंगे उसको प्रेसिडेंट सर करते हैं। अब क्या होता है, तीसरी जो मिलिट्री पावर है अक्सर लोगों को ये दो ही पता होती है और एग्जामिनर तीसरी पूछता है, तीसरी को क्या पूछेगा, ही कैन डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस, अगर कोई वार भी कोई डिक्लेयर करेगा तो वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, और कोई पीस हमने भी आपस में पीस करना है तो भी वो प्रेसिडेंट करेंगे। अब इमरजेंसी पावर्स हैं उस पर पूरा एक चैप्टर है, मतलब आर्टिकल 352, 356, 365। अब आर्टिकल्स को सुन के घबराइए मत प्लीज, वो हम एक पूरा अलग से चैप्टर उसमें लेंगे। एक्चुअली क्यों ऐसा आ रहा है भाई, ये चैप्टर है आगे आएगा बाद में आएगा इसी में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत स्कैटर्ड है यार पॉलिटी, एक जगह पे आपको पूरी पॉलिटी अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ाने लग गया तो आपको इकोनॉमिक्स में घुसना पड़ेगा, इसलिए कोई प्लेटफॉर्म हमें चाहिए जहां से हम शुरू करें, और प्रेसिडेंट ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम शुरू कर सकते हैं। अगर हम आर्टिकल वाइज शुरू करेंगे तो भी आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि एक सिटीजनशिप ऐसा चैप्टर है, मैंने सिटीजनशिप पढ़ा था और मैं इतना कंफ्यूज हो गया था वेदर आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट, मैं इतनी बड़ी कंफ्यूजन में आ गया था, इतनी तगड़ी डेट्स दे रखी है उसके अंदर, ठीक है। अब विटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, अब विटो पावर क्या होती है, तीन तरह की विटो पावर होती है, देखिए तीन तरह की विटो पावर होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, ठीक है, और तीसरी पॉकेट विटो, मतलब जेब। अब क्या है ये पावर्स, एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज को रिजेक्ट ही कर देना, ठीक है, सस्पेंसिव में क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, पॉकेट में मतलब अपने अपनी जेब में डाल के रखते हैं। अब क्या होता है, मान लो विटो पावर्स क्या होती है, कोई बिल गया, ठीक है, अब उसको रिजेक्ट कर दिया, ये विटो पावर हुई। ऐसा क्या होता है कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल आ जाए ना और एक डिजॉल्व होकर दूसरी आए तब एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भाई आप ना अपनी विटो पावर यूज करो, एब्सोल्यूट विटो। सस्पेंसिव विटो पावर में क्या होता है, वो रिटर्न कर देती है बिल, बट अगर रिटर्न करने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर उस चीज को दोबारा आइदर विद अमेंडमेंट्स और विदाउट अमेंडमेंट उस चीज को पास कर देते हैं ना तो भी, हाँ, पर ये रिटर्न मनी बिल के केस में नहीं कर सकते,
ठीक है, उस चीज को पास कर देते हैं दोबारा भाई, वही चीज अपने दोबारा भेजते हैं विद अमेंडमेंट्स और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट बाइंड हो जाएंगे उसको करने के लिए। और पॉकेट वीटो क्या होती है, कोई एक्शन, नो एक्शन, अब कुछ भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। अब क्या होता है, ऐसा बोला जाता है पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ना एक टाइम लिमिट होती है भाई, वो पॉकेट वीटो इतने समय तक यूज कर सकते हैं। हमारे इंडिया में वैसे सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए हमारे प्रेसिडेंट की जेब भी बहुत बड़ी है, वो जब तक चाहे तब तक कोई एक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैंने खुद मॉक टेस्ट में बहुत क्वेश्चन फेस किए हैं, तो इस चीज को आप ध्यान से देख लेना। अब क्या होता है, अब दो आर्टिकल्स हैं, वैसे वो गवर्नर में आएंगे, बट फिर भी क्या होता है, आर्टिकल 200 के तहत ना कोई बिल गया गवर्नर के पास, तो उस पे चार वो होते हैं। मान लो आप सिंपल बताऊं, असेंट दे दिया, ठीक है, मना कर दिया, रिटर्न कर दिया और रिजर्व कर दिया। ठीक है, अब ये आर्टिकल 200 ऐसा बोलता है, ये रिजर्व किसके लिए करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट, अब जब यहां से गवर्नर रिटर्न करेंगे ना, फिर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको पास कर देगी तो बाइंडिंग हो जाएगी, उनको यस करनी पड़ेगी। जब रिजर्व कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास ये चला गया आर्टिकल 201 के तहत। अब जाएगा 200 के तहत, पर आर्टिकल 201 के तहत प्रेसिडेंट पे कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब क्या होते हैं, असेंट दे दिया उन्होंने, या फिर विदहोल्ड, मतलब यस यस या विदहोल्ड कर दिया, मतलब नो। ठीक है, एक और होता है रिटर्न। अब जैसे यहां पे रिटर्न करने के बाद उनको अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलती है यस भाई, फिर बाइंडिंग हो गया, पर यहां पे ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं आती, और यहां से एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान से देख लेना। पर जो रिटर्न होता है ऐसे मनी बिल के केसेस में नहीं होता है। मैं आपको फिर एक बार बोल देता हूं, तीन तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एक फाइनेंशियल बिल अलग कैटेगरी है, फाइनेंशियल बिल के अंदर एक मनी बिल आता है। अब सेंटर की हम देख लेते हैं, ऑर्डिनरी बिल को ना यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं, मतलब असेंट दे सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, या फिर रिटर्न कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और मनी बिल के केस में क्या करते हैं, या फिर हाँ या फिर ना। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जब भी हमें संविधान में बदलाव करना हो ना, तब सिर्फ और सिर्फ यस ही करनी पड़ेगी, हाँ ही करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ऐसा क्यों, ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट कर सकते ना रिटर्न कर सकते, ऐसा बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये बाइंडिंग कर दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को हमेशा प्रेसिडेंट को यस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे आते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग ऑफ पावर। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वो पावर होती है, मान लो कोई एक या लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सेशन में नहीं है अभी, तब भी हमें कोई एक बिल, इंपोर्टेंट बिल को पास करना पड़ गया, पर बिल तो पास हो नहीं सकता, तब एक लॉ बनाना पड़ गया, मान लो एक्ट बनाना पड़ गया, जैसे कि अभी रिसेंटली जल्लीकट्टू के केस में हुआ था, तमिलनाडु में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ टेम बुन के एक स्पोर्ट्स को लेके, और वो तमिलनाडु वाले बोलते हैं हमारे इनके साथ कल्चरल वैल्यूज जुड़ी हैं, तो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया। ऑर्डिनेंस कैसे लाते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक प्रेसिडेंट की पावर है, ये एक लेजिस्लेटिव पावर है। इसमें क्या होता है, इसको सिंपल सी समझ लेते हैं। फर्स्टली कब बना सकते हैं, इसके प्रोविजंस हैं, और कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 123 डील करता है। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से डील करता है, जब बोथ हाउसेज ऑफ, वो कोई भी एक या दोनों हाउस में से कोई भी हाउस सेशन में ना हो। और एक ना कॉपर्स केस था 1970 के अंदर, उसके अंदर एक जजमेंट दी गई थी, ये जजमेंट आपको आंसर्स में लिख के आनी है। जजमेंट के अंदर ऐसा बोला था, ही कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट दैट रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू मेक इमीडिएट एक्शन। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो ये बोलते हैं, जब बहुत जरूरी हो तभी ऑर्डिनेंस लेके आना है। ऐसे नहीं भी आप किसी भी छोटे मोटे एक्ट के लिए, लॉ के लिए, एक्ट के लिए ऑर्डिनेंस ले आओ। अब ऑर्डिनेंस में जहां क्वेश्चन आता है वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इस पे सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। क्यों ले सकती है, क्योंकि इसमें यार आप कई बार क्या होता है, अब मान लो मेजोरिटी नहीं अपनी हाउसेज में, अपने को लगता नहीं ये बिल पास होगा,
फिर भी वो बाईपास करने के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस को वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं इसी वजह से। और ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस लेके आए बट 6 वीक के, अगर पार्लियामेंट जब समन हुई वापिस तो 6 वीक्स के अंदर उस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, प्रेसिडेंट को लगता है ऑर्डिनेंस मुझे पहले रिपील करना है, तो वो रिपील कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस वो अमेंडमेंट कैन इशू करने के लिए कभी नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए कभी अपना ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते, हाँ पर टेक्स्ट को अमेंड जरूर कर सकते हैं। बट ठीक है, ये हमारी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। अब ऑर्डिनेंस में आपको ध्यान, ऑर्डिनेंस में क्वेश्चन आता है जुडी, अब इसके की पॉइंट्स क्या है, जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होता है आपको एक डीसी वधवा केस और कॉपर्स केस याद रखने मेंस के पर्सपेक्टिव से, एंड देन रीअसेंबली के 6 वीक बाद वो पास हो जाना चाहिए। और एक ये क्वेश्चन भी बनता है, और मैक्सिमम सेशंस के बीच में जो टाइम होता है ना, जैसे वो होता है 6 मंथ, तो एक ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 6 मंथ एंड 6 वीक तक ही रह सकता है, 6 महीने तो गैप तो हो गया और 6 वीक जो पार्लियामेंट को टाइम दिया जाता है करने का। अब लास्ट हमारा जो प्रेसिडेंट का वो रह गया, वो है पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब क्या होता है, आर्टिकल 72, आर्टिकल से घबराइएगा नहीं, आप भी कबूतर की तरह आर्टिकल बोलोगे, थोड़ा टाइम रुक जाओ थोड़ी देर, कबूतर तोता कुछ भी बोलो आर्टिकल साहब बोलोगे, मेरी तरह ही बोलोगे, ठीक है। अब पार्डनिंग पावर के अंदर क्या होता है, आर्टिकल 72 के पास ना प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट को पावर देता है पार्डनिंग पावर। अब पार्डनिंग पावर किस तरह की होती है, क्या होती है, मैं आपको बोल देता हूँ। फर्स्ट, अब कोई भी बंदा, ये जुडिशियल पावर है पहली बात, तो कोई भी बंदा ने कोई ऑफेंस किया अगेंस्ट यूनियन लॉ या किसी आर्मी वाले का कोर्ट मार्शल हो गया, फिर तीसरा किसी को डेथ सेंटेंस मिली, ठीक है, फांसी की सजा, तो 5 तरह की पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उनका टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो फर्स्ट होती है उसको बोलते हैं पार्डन। पार्डन क्या करता है, कंप्लीटली रिमूवल हो जाता है, मतलब उसमें ना तो कोई दोष रहेगा ना कोई सजा रहेगी, कंप्लीटली रिमूवल हो जाता है पार्डन के अंदर। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इसलिए मैं यहां इसको लिख देता हूं पार्डन, ठीक है, कंप्लीट रिमूवल, ये आपको याद रखना है पार्डन। दूसरा होता है कॉम्यूटेशन, थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी भी बस बहुत तकड़ी है, ठीक है, और बोर्ड में तो वैसे ही बहुत तकड़ी है। कॉम्यूटेशन के अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं एक पनिशमेंट से दूसरी पनिशमेंट में, मान लो किसी ने क्राइम किया और उसको मिली डेथ, डेथ से उसको हमने चेंज कर दिया, मान लो डेथ सेंटेंस मिला था, मान लो जेल कर दी और लाइफ में, ठीक है, जेल में कन्वर्ट कर दिया लाइफ के लिए, जिसको हम लाइफ इंप्रिजनमेंट बोलते हैं, तो ये होगी कम्युनिकेशन, ठीक है। अब तीसरी होती है रीमिशन, देखो 1, 2, 3, तीन होता है, रीमिशन। रीमिशन के अंदर कैसा होता है, अब चार्ज चेंज नहीं करेंगे हम, चार्ज चेंज नहीं करेंगे, पीरियड कम कर देंगे, मान लो किसी को 2 साल की सजा गई थी, 2 ईयर से हमने उसको 6 मंथ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये कन्वर्ट का साइंस आपने केमिस्ट्री में जो लोग साइंस बैकग्राउंड से उन्होंने देखा होगा, ठीक है, चेंज हो जाती है। ऐसे ही होता है रिस्पाइट, रिस्पाइट में क्या होता है, यहाँ पे रिस्पाइट लिख देता हूं मैं, रिस्पाइट के अंदर क्या होता है, अब किसी वजह से उसको कम, मान लो डिनोट अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, फॉर एग्जांपल ए प्रेग्नेंट वुमन और एक दिव्यांग पर्सन, जिसको हम पर्सनली डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड बोल देते हैं, उनको किसी वजह की वजह से यूज करते हैं तो रिस्पाइट पावर होती है। और जबकि रीमिशन में चेंज कर देते हैं हम, उसको कम कर देते हैं रिस्पाइट। अब जो लास्ट होती है वो रिप्राइव होती है, रिप्राइव के अंदर क्या होता है, रिप्राइव के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक टेम्पररी स्टे होता है, स्टे, मान लो किसी बंदे को फांसी सजा होनी है, उस पर कुछ टाइम के लिए स्टे लगाना, वो रिप्राइव की पावर होती है। अब आप कई कुछ पढ़ोगे बहुत लंबा काफी लंबे सेंटेंस दिए होते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आता, फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे यार ये कौन सी पावर थी, ये कौन सी, इसलिए आप इसको एग्जाम्पल्स के याद, मान लो कंप्लीटली मुक्त कर देना पार्डनिंग, कॉम्यूटेशन में चेंज कर देने की, रीमिशन में कम कर देने की, रिस्पाइट में किसी वजह की वजह से, जैसे फिजिकल पर्सनली डिसेबल्ड और
प्रेग्नेंट वुमेन और रिप्लाई के अंदर स्टे लगा देना थैंक यू, यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट खत्म होता है और एक छोटा सा मैसेज। अब इसको इसको आपने देखा, इस वीडियो को देखा होगा, इसके नोट्स बनाना और या फिर इसको दो बार देखना, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करना। आई एंश्योर यू कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर मैं बोलता हूँ अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो हमारी जो सीरीज खत्म होगी यूनियन एग्जीक्यूटिव की, उसके बाद अगर आप इसको देखोगे उसको आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर नहीं होता ना तो उसको ऐसे मार्क कर लेना, उसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे मत जाना। फिर सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद उस क्वेश्चन को दोबारा देखना, फिर आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू, शेयर द नॉलेज, स्प्रेड द हैप्पीनेस।